हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा और टाइटल देखा तो आपको पता चल गया रहेगा कि ये वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गाइस कनार्ड्स इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी कार में और ऑटोमेटिक ट्रंक लिफ्ट इंस्टॉल करने वाले, जिसका मतलब ये है कि हम लोग चाबी यूज़ करते हैं, हमारी डिक्की बोल सकते हो या ट्रंक बोल सकते हो, तो जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो जस्ट वो थोड़ा सा खुलता है, ना कि वो जैसे हम लोग खुलते हैं वैसा अपने आप खुल जाता है। और कोई कोई कार में ये भी सिस्टम रहता है कि आपके चाबी से अपने आप आपका ट्रंक ओपन हो जाता है, बट कोई कोई गाड़ी में ये सिस्टम नहीं रहता कि ट्रंक अपने आप ऊपर जा रहा है और अपने आप अंदर आ रहा है। गाड़ियों में यही सिस्टम रहता है कि सिर्फ बटन दबाए और ट्रंक थोड़ा सा ओपन हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है रम्मी सर्कल, जिसमें आप रम्मी खेल सकते हो और कैश भी जीत सकते हो। सीखना और खेलना बहुत ही आसान है और रजिस्टर करके आपको 100% वेलकम बोनस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा बेहतर है और खेलना और जीतना बहुत ही आसान हो जाता है इसमें। नहीं नहीं गाइस, जीते हुए कैश को आप कुछ ही सेकंड में आपके बैंक में विड्रॉ कर सकते हो और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत ही सिक्योर रहते हैं। आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए रम्मी सर्कल ऐप। ठीक है, आप देख रहे हो अभी मैं एक की का यूज कर रहा हूँ और चाबी डाल दिया मैंने ट्रंक में और आप देख सकते हो गाइस इतना सा ही खुला, ना कि ये पूरा ऐसा ओपन हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए गाइस कि पूरा ये अपने आप ऊपर ओपन होना चाहिए। ट्रंक ओपन करने के लिए हम लोग ये स्प्रिंग का इंस्टॉल करने वाले थे, टाइम पहले से इंपोर्ट करा के रखे थे और मेरे पास ये कनार्ड्स भी है, चीज़ों मैंने बैंगलोर से ऑर्डर किया था और ये मेरे पास आ भी गए थे। बट गाइस अभी तो बैंगलोर शिपिंग दे रहा नहीं इंडिया के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ये खरीदे। अगर मेरे को अमेजोन का लिंक मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके बाय कर सकते हो ईजिली। हर कनार्ड्स हाथ में, ये साइड के जो बम्पर्स रहते हैं हमारे उसके ऊपर लगते हैं। तो आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी रहेगी टाइम अटैक में, टाइम अटैक नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइम अटैक एक ऐसा रेस होता है जिसमें सबसे कम टाइम में वो लैप फिनिश करने का रहता है। तो लैप फिनिश करने के लिए हम लोग को डाउन फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, फास्ट गाड़ियों को टर्न लेना पड़ता है। अटैक में जो है गाइस इन लोग कनार्ड्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े स्पॉयलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं फॉर। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे चार कनार्ड्स हम लोग को मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर मटेरियल के नहीं, ये नॉर्मल प्लास्टिक के मटेरियल है, जस्ट इसमें कार्बन फाइबर का हाइड्रो डिपिंग किया हुआ और ये काफ़ी लाइट है। अभी तक तो कोई स्पॉइलर नहीं लगा है अपनी गाड़ियों में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कौन सा स्पॉइलर मुझे लगाना है, क्योंकि स्पॉइलर जो चीज़ है वो डाउन फोर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो इन दी एंड ड्रैग ज़्यादा क्रिएट करेंगे, ड्रैग ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाएंगे। थिंग्स होगा इसकी फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में स्पॉइलर की जरूरत है। एस्थेटिक पर्पजेज में देखूंगा, लगाना रहेगा तो मैं लगा दूंगा। गाइस इफ यू वांट टू सी असली कार्बन फाइबर कैसे दिखता है, तो ये ऐसे कुछ दिखता है, एकदम सॉलिड मटेरियल रहता है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, कनार्ड्स हम लोग कार में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें 3M का आप देख सकते हो पीछे टेपिंग दिया हुआ है। तो कनार्ड्स जो है गाइस ऐसे लगते हैं, विंगलेट्स जैसे लगते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक आपको बड़ा मिलेगा एक आपको छोटा मिलेगा, तो छोटा वाला जो कनार्ड है वो नीचे लगाना है और बड़ा वाला ऊपर लगाना है। मेक श्योर ये हमेशा डायरेक्शन में रहना चाहिए, स्टार्टिंग से जो है गाइस ये थोड़ा बड़ा रहना चाहिए और पीछे से जो आप देख सकते हो ये इन लोग ने एयर के लिए कर्व बनाया वैसा रहना चाहिए, मतलब आगे से मोटा और पीछे से पतला रहना चाहिए। ऑलराइट, और कि जरा भी यहाँ पे कुछ कंटेमिनेंट्स नहीं रहने चाहिए, वरना ये 3M का जो टेप है ये प्रॉपरली स्टिक नहीं हो पाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपरली स्टिक हुआ है कि नहीं। गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ने डिसीजन ये लिया है कि एक ही हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने और एक लगाया था तो यहाँ पे कुछ इशू नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग एक लगा रहे थे और नीचे और एक लगा रहे थे, ये टायर पे टच हो रहा था। ये वैसे आप देख सकते हो ये लुक ऐसा कुछ दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको लिप मिसिंग दिखेगा, क्योंकि लिप जो है गाइस घस घस के लिप भी फट चुका है, वो एक नया लिप ऑर्डर करना पड़ेगा। सेम ही लिप मैं इंस्टॉल करूंगा अगर इंस्टॉल करना रहेगा मुझे, भाई के रोड्स के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ से जो है बम्पर के स्क्रेप होते ही रहते। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक जो ट्रंक ओपन है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहे थे ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर कि ये प्रॉपरली ऊपर ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने पहले डैम्पिंग लगाया था तो यहाँ पे पूरा गार्निश था, वो निकाल दिया क्योंकि ये थोड़ा लोड नहीं ले रहा था। यहाँ पे दोनों टेल लाइट्स लगते हैं तो ये थोड़ा वजनदार हो जाता है, तो हम लोग ने गार्निश भी निकाल के रख दिया इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ
स्प्रिंग है हमारा, तो ये दोनों साइड्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं आपको एक साइड का दिखा दूंगा इंस्टॉलेशन, तो दोनों साइड आपको समझ जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे एक लॉक नट दिया हुआ है इन लोग ने, तो यहाँ से ये लॉक हो जाता है। तो आपको जितना एक्सटेंड करना है उतना आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लंबा स्प्रिंग इन लोग ने दिया हुआ है, जितना आपको एक्सटेंड करना रहेगा उतना एक्सटेंड कर देंगे और ये लॉक नट यहाँ पे आके फिक्स कर देंगे, तो ये परफेक्ट रहेगा। और ये जो है ये आपको एक पॉइंट पे लगाना है और ये हम लोग एक अलग पॉइंट पे लगाने वाले। सो तो ये कीचेन जैसा रिंग है उसको हम लोग को यहाँ पे फंसाना है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको आपको लगाना है। तो किचन टाइप है ये, किचन टाइप मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक होल है। अटैच करने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, छोटा करने वाले हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा टेंशन भी चाहिए गाइस। तो स्प्रिंग टेंशन में रहेगा तभी ये वर्क करेगा प्रॉपरली। सर इसका एक वर्किंग है गाइस, जैसे स्प्रिंग के ऊपर वर्क करता है। तो स्प्रिंग को हम लोग ने काफ़ी टाइट कर दिया अभी, और ये मैं निकाल के इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी टाइट हो गया अभी स्प्रिंग के पास। इसमें कुछ स्पैनर नहीं या कुछ भी नहीं है जिससे हम लोग इसको टाइट कर पाए। बट गाइज आपको बॉक्स में एक चीज़ इन लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है, ऐसे आप देख सकते हो। ये कहाँ पे अभी फिट होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। की टाइप इन लोग ने कुछ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक होल है, तो इसके अंदर आपको ऐसा फिट करना है पूरा। ये पीछे आर पार जाता है पूरा, इससे पूरा ऐसा ऐसा घुमा घुमा के आपको टाइट कर देना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये होता है, तो ये हम लोग को घुमाना है और ये जो हमारा स्प्रिंग है ये नट के साथ एकदम से टाइट हो जाएगा, जो एकदम यहाँ पे लॉक हो चुका है और ये कभी लूज नहीं होगा नट। तो अभी मैं आपको इसका वर्किंग दिखा देता हूँ। भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम हम लोग ने सिस्टम किया है, यहाँ पे लगाया है, किचन टाइप दिया हुआ है वो इस पे लगा दिया है। फर्निश जो है यहाँ पे सब लॉक सिस्टम दिया हुआ था इन लोग ने, मतलब जो नॉर्मल रिवेट्स टाइप लॉक लगते हैं तो वो लॉक किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग बाद में लगा देंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको एक वर्किंग दिखा देता हूँ। अभी मैं पूरा बूट जो है पूरा बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बूट प्रॉपरली बंद हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अंदर से जो लैच है वो लैच ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आप देख सकते हो ये डायरेक्ट ऊपर चले गया, और मतलब हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा सेटिंग नहीं रखा है कि मतलब डायरेक्ट फट से ऊपर जाना चाहिए, आराम से जाएगा, इट्स बेटर, क्योंकि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। अभी मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ आपको। सिस्टम में क्या होता है गाइस, कभी कभी और एक की रहता है जिससे हम लोग का ये बूट खुल जाएगा अपने आप, बट हम लोग के पास है नहीं फिलहाल के लिए। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर और आप देख सकते हो ये डायरेक्ट ऊपर चलेगा, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। जस्ट मेक श्योर थोड़ा सा आपको दो तीन बार ट्रायल लेना पड़ेगा, होल पे लगाए कि ये वाले होल पे लगाए, किस पर ज़्यादा टेंशन बन रहा है। तो सिविक में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है होल, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे लगाना है, और मेंशन में कहीं पर भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो अभी कहाँ पर भी आवाज़ नहीं आ रहा स्प्रिंग का, स्प्रिंग एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली ऊपर जा रहा है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमने देखा हम लोग ने कनार्ड्स इंस्टॉल किए। अगर आपको चाहिए तो आप डिफ्यूज़र इंस्टॉल कर सकते हो, पीछे के स्पॉइलर इंस्टॉल कर सकते हो, एक छोटा स्पॉइलर आता है पीछे वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे जो ड्रैग क्रिएट करते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट मेक श्योर गाइज अगर आप ड्रैग के कुछ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका कुछ यूज़ होना चाहिए। अगर ज़्यादा मैं कोई बड़े बड़े स्पॉइलर लगा दूंगा तो वैसे ही मेरा माइलेज भी कम हो जाएगा क्योंकि ड्रैग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। चीज़ मैंने बताया था आपको ऑटोमेटिक ट्रंक ओपन, तो इसमें मैंने एक चीज़ सोचा था, अगर कुछ एक एक्चुएटर लगाएंगे हम लोग और एक बटन से कंट्रोल करेंगे कि वो डायरेक्ट लैच ओपन करके डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो वैसा मैंने सिस्टम सोचा है। तो वो पार्ट्स में थोड़ा सोर्स करो। ट्रंक ओपन होना जो फीचर है बहुत ज्यादा महंगा कॉस्ट करता है और हाई एंड गाड़ियों में ही आता है। गाइस आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सीन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।